लगभग 5:30। तो आप जब घटनास्थल पर पहुंचे, जहां पे पहुंचे, क्या उस समय आपका बच्चा मारा जा चुका था या फिर अभी पीटा जा रहा था उसको? उसको उन लोगों का हाथ में डंडा था, मार रहा था लोग। अच्छा, हम बोले हैं ये हमारा लड़का को काहे मारता रहा, छोड़ दे जान। तो वो बोला है जब आप प्रशासन में कहिएगा तो अभी तुमको भी मारेंगे और पूरा परिवार को मारेंगे। एकर कोनो आधार निकाले के चाहिए, जब बगैर खसूर हमारा दामाद के मरले वालो तो एक निर्भर कर निकले के चाहिए। दोनों बच्चा के हमारा बेटी के कोनो ऐसा का एक रास्ता निकले के चाहिए, आधार होके के चाहिए, जहाँ वो आधार से जिए खाए रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं G20 न्यूज और हिंदुस्तानी प्लेटफॉर्म न्यूज। अभी हम पश्चिमी चंपारण जिला के रामनगर के अंतर्गत एक गांव है रतनपुरवा, जो रामनगर पंचायत के अंतर्गत आता है, लेकिन यहीं पे एक बच्चे का शायद हत्या कर दिया गया है। और क्या मामला है, क्या सनसनिया खेज है, इसके बारे में हम कुछ परिजनों से पूछेंगे और इनके माता पिता से राय लेंगे। अच्छा, आप उनके कौन है? हम इसहाक अंसारी हैं, उनका जो बच्चा जो मरा हुआ है उसका पिताजी हैं। अच्छा, पिताजी हैं। हाँ, उसका अब्बा हैं। कैसे क्या हो गया उस बच्चा का साथ की ये दिन देखने को पड़ गया? या लड़का का उम्र कितना था? 25 बरस का हमारा लड़का था। अच्छा। वो पेंचर के दुकान पर काम कर रहा था। अच्छा। कल शाम में गया था, वो सुबह में हम भेजे हैं उनको कोटा लेने के लिए। अच्छा। हमको राशन मिलता है कोटा। अच्छा। तो मिलता है तो हम भेजे हैं, तो उसको जा करके 12 बजे तक कोटा ले आया हमारा। अब कोटा ले आ करके पेंचर के दुकान पर गया। पेंचर के दुकान पर गया तो खाने के लिए 3 बजे वहां से छूट कर आया घर। आ घर पर आया था, बोलो कोनो बात नहीं, घरे आइल। आ घरे आके आ खाना खोले सा, खाना खा के फिर दुकान पर जाते रहे। तब तक ले सुरेंद्र जादू के लड़का दोनों वही पड़े रास्ता बा, वही रास्ता तक जाते रहे रेंजर साइकिल लेके। तो साइकिल लेके आ बाउंड्री में ढुका दो लो। अब धुका क्या होकर अगर लापता से बड़ी मार मार लो। क्या दिक्कत रहे? पहले से कोई दुश्मनी रहे या कुछ रहे? पहले से कोई दुश्मनी नहीं था। साइकिल लेकर जा रहा था, उसी पर उन लोगों ने बुला करके इनको पुल्हा पर पा करके और ढुका दिए हैं बाउंड्री में। उनका पानी टंकी है पहले से, उसी में सुनने में आता है कि जो लड़का मरा हुआ है उसके साथ बच्चे भी थे। बच्चे भी उनका साथ वहाँ नहीं है। अच्छा, नहीं, नहीं, उनके बच्चे भी थे घर पे, मतलब उनके शादी हो गई उनकी। उनके 2 बच्चा है, एक लड़का है एक लड़की है। अच्छा, एक 1.5 साल का लड़का है और 4-5 महीना के लड़की है। अच्छा, जो गोलू मर गया उसका उम्र कितना था? 25 बरस था। 25 वर्ष? 25 बरस था। मतलब यहाँ देख सकते हैं कि जो बच्चा है वो बच्चा कहीं काम करके, पंचर का दुकान है या कहीं काम करता है, वो करके वापस लौट रहा था। उसी बीचों बीच में किसी के द्वारा ले जा करके किसी बिल्डिंग के घर में घुसा करके उनको जो डंटे से मार मार करके उनकी हत्या कर दी गई। ये कौन है? ये बीबी है। बीबी है? लड़का कहाँ था? बच्चा दिखाइए। देखिए अब कितने छोटे छोटे बच्चे हैं और यहाँ पे इधर हटिए। ओहो, यहाँ पे देखिए कितना छोटा बच्चा है। यहाँ पे जो व्यक्ति मरा हुआ है गोलू, उसी के ये बच्चा है। और आप कौन है? माई। अच्छा, माई हूँ। सास गोलू के। अच्छा, गोलू के सास। अच्छा, गोलू के माई। अच्छा, गोलू के माई। वो लड़का काम करे काम पर से आई लन लेच में खाए जा खा के जात रहल। अच्छा, वो ये खड़ा रहे लो रेंजर साइकिल ले रहल लो। अच्छा। ओमे ढुका दल लो कहत रहन जे भाई दस साइकिल हम जाई काम पर। अच्छा। कहत गोलू जाई के नु भाई आव ना ने भीतर आ। भीतर गई लन के मारी बन को के बांध के मारे लागल लो लाठी से। दूगो रोड बाटे, केरा के डेमखा बाटे, रेड़ के डेमखा बाटे, ओमे पायना बाटे, सगवान के 3 गो पायना बाटे। गोलू के तरह व्यवहार में रहुन सही ना रहुन का? ताकि तू बतावा ना गोलू जोन बाड़न के तरह के व्यवहार कर सही लेके रहू हन? तो उनका संग तरल से मने आवत लसन जात लसन झगड़ा ना कर तरल हन। तब अब का दुश्मन ऐसी साधन हल तो यहाँ पे देख सकते हैं कि वही गोलू जिसका एक परिवार भी है और परिवार में माँ बाप के साथ साथ इनकी शादी भी हो चुकी है और यही दोनों छोटे छोटे बच्चे हैं। अब बताइए जब इतने छोटे छोटे बच्चों का परवरिश
कौन करेगा? क्या मारने वाले ये नहीं सोच सके कि शायद इनके शादी भी हो चुका है और इनके छोटे छोटे बच्चे भी हैं? अच्छा के तरह के का भाई रहे, कुछ बतेले रहूं तरह के ना कुछ ना कौन गोइलन दुब गोइलन खाना खाए खाके गोइलन उ लोग कतल सरकिल ले लो कतल हने आ गोइलन त ल लम बंद कर मार। कितना दिन भयो तार शादी भइले? 2 साल 3 महीना भइले। 2 साल 3 महीना? हां बताइए, 2 साल 3 महीना की ये एक विधवा औरत जो अब विधवा हो गई है, बताइए ये अपने समय को कैसे काटेगी? आप खुद ही बताइए। थोड़ा पीछे चलो भाई, सब दिखाओ। कितने का भई रहो, कुछ पता बात नहीं के? खाना तो खाए आई रहल, खाना खाए आई रहल गोइलन ढुका के लवल सन मारे ताकि ढुका को में ताला मार को में मरल सन बान छान के। अच्छा केउ सुना जाना, पानी के डराए के जरूरत नहीं के, जोन भी बाटे तेज बोला जान, बढ़िया बोला जान। अच्छा एक बात बताओ कि कोन विधायक या एमपी एमएलए के आई रहल एबरा ना? नगर के चेयरमैन वो नहीं खनाई। क्यों फोन उन कहीं दरा लगी ना है ना? देखो ना फोन हमने के अपना गांव के वार्ड में उनका सर आते कोहने जा जो सब कर हमने के मान लग जे हमने के घेरावा कोई जाई रोड जाम कोई जाई कनी के ओकरा बाल बच्चे के मौजे खातिर जे मान लियो कनी के परवरिश कैसे होई तो उ कहत नहीं जे प्रशासन अपन काम कर रहल बा हमनी के अगर ये रोड जाम कर तन जा तो प्रशासन हमनी पर आरोप डाल दी। ऐसे जे प्रशासन अगर मुजरिम ना पकड़ाई रही तो हमनी के जाम करते जा, अगर पकड़ा गइल बा तो प्रशासन का काम करत जा हमनी के मुजरिम ना तो हो जाई। प्रशासन घर पहुंचल रहे? हां प्रशासन उन लोगों पकड़ लिया है, सुरेंद्र जान पकड़ लिया। हां सुरेंद्र जादव के और उनका पत्नी के पकड़ लिया है काल सामे में, आप थाना पर रखे हैं, उनका एक लड़का पकड़ाया है और एक लड़का भाग गया है और 2 लड़का उसमें और था वो भी पकड़ाया था, लेकिन उन लोगों को हम चिन्ह नहीं रहे हैं, नाम नहीं जान रहे जो किसका लड़का है कहाँ का है। लेकिन हम जब गए थे सुरेंद्र यादव के बाउंड्री में तो हमने देखा सुरेंद्र यादव का लड़का दोनों हमारे लड़का को मार रहा था, छोटा सा लड़का एक हमको आगे बोला है घर पर हम थे तो लगभग 5:30। आप जब घटना स्थल पर पहुंचे जहाँ पे पहुंचे क्या उस समय आपका बच्चा मारा जा चुका था या फिर अभी पीटा जा रहा था उसको? उसको उन लोगों का हाथ में डंडा था, मार रहा था लोग। अच्छा, हम बोले हैं ये हमारा लड़का को काहे मारता रहा, छोड़ दा जान। अच्छा, तो वो बोला है जब आप प्रशासन में कहिएगा तो अभी तुमको भी मारेंगे और पूरा परिवार को मारेंगे, आपका घर भी भर घर को मारेंगे। अच्छा, तो हम बोले जो हम प्रशासन में नहीं जाएंगे, हमारे बच्चा को छोड़ दीजिए, हम अपने दवा बीरो करा करके उनको ठीक कर लेंगे। उस समय लेकर क्या? हाँ तो वो छोड़ दिए हैं लोग। आज जो उसमें 4 और था वो भाग गया, माने अलग हो गया, उनके हाथ में डंडा नहीं था लेकिन ये दोनों भाई का हाथ में डंडा था। तो हमको जब वो दे दिया तो हम वहां से टांग कर अगर यहाँ कांख में हाथ लगा करके ले आ रहे थे घर पर, तो घर पर ले आए थे तो हम पूछे थे अपने लड़का से ये बाबू काहे मारल हलो, तो वो हमारा से ये बात बतौलस जे हम साइकिल लेकर जात रहनी हो तो हमारे के बुलावल हलो आ धीरे से पोला के बाउंड्री में ढुका लवल हलो, आ बाउंड्री में ढुकावला के बाद हमारे के लाठी से आबा हो बड़ी मार मर ले बोलो हमारा के। इतना बात 2 बार 3 बार कॉलस घर तक ले कॉलस। हम गोइनी सुरेंद्र यादव के घर है तो सुरेंद्र यादव ताला बंद कर दिले रहलन, हम यही सोच के गोइनी जो हम थाना फौजदारी ना करेम, हम चल तनी मरले बोलू उनकर लड़का, तुम उनका से कह के दवा बीरो इलाज करा लेम। तो हम जब गनी सुरेंद्र यादव के घर है तो सुरेंद्र यादव के घर गनी तो सुरेंद्र यादव ना बहरले, उनके एगो आदमी बा उहे बहरल, कहले जे सुरेंद्र जे हम कहने जे सुरेंद्र भैया से तनी हमारा बात करे के बा, बड़ा जरूरी बात बा। तो वो कहता जे एबरा सुत गेल बने, सुत गेल बने एबरा ना उठिए, तारा कोनो जरूरी ते बीह नहीं अइयो, गेट ना खोल लें। तो हम वही से उठनी तुरंत गनी टेम्पू के, टेम्पू ले ही नहीं अपना लड़का के लाद के हॉस्पिटल ले जात रहनी, तो हॉस्पिटल ले जाते भर में वो जा डॉक्टर से देखौनी तो डॉक्टर कहले जे लड़का मर चुकल बा। अच्छा जो जगह बटे रतनपुर बा ये नगर पंचायत के अंतर्गत आवल है वार्ड? हाँ नगर पंचायत में ही बा। तो हनी कुछ कहे के बा और? सर हमार लड़की या एकर कोनो आधार निकाले के चाहिए, जब बगैर खसूर हमार दामाद के मरले बालो ते एकर निर्भर करनो निकले के चाहिए नु दोनों बच्चा के आ हमारा बेटी के कोनो ऐसन का एकर रास्ता निकले के चाहिए, आधार होके के चाहिए जहाँ वो आधार से जिए खाए रहे दुनिया ओकर जिए ओकर बच्चा बा बच्ची बा
ओकर प्रतिपालन होके ओकर जवन ऐसा का उम्मीद होके जहाँ ओकर दुनिया माने चले। हमरा इहे चाही, हमरा दोसर कुछ ना चाही, बस हमरा इहे चाही जहाँ वो लोग के बने जीवन प्रतिपालन मिले के चाही। हमरा हम अपन खेत बेच के हम अपन बेटी भी रहे बानी सर, हमरा कुछ नहीं कह सकते हैं कि गोलू की जो पत्नी है शायद अभी सदमे में है, इनको लग नहीं रहा है कि मैं किस दुनिया में हूँ। मतलब जिस तरह से बुरी तरह से पीटा गया है और पीट पीट करके मार डालना, ये कहा जाए तो मतलब शर्मसार है। और इस शर्मसार घटना को संज्ञान में प्रशासन ले रही है और शायद उस पर एक्शन लेगी। अगर एक्शन नहीं लेगी तो ठीक, जितने भी मीडिया प्रभारी हैं मैं आग्रह करूंगा कि इस घटनास्थल पे आइए और आकर के जितना भी निर्णय हो सके इस चीज को दिखाइए बखूबी। देखिए किसी के साथ अगर कहा जाए तो दुराचार हो रहा है, उसके साथ अगर अन्याय हो रहा है तो इस अन्याय को ही न्याय में बदलना ये लोकतंत्र का चौथा स्तंभ का काम है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत सारे यहाँ पे लोग उपस्थित हैं और शायद सारे लोग के चेहरे पे खुशी नहीं दिख रही है, सारे लोग सदमे में झलक रहे हैं। मतलब एक ऐसा, अच्छा आप बताओ यही जगह पड़ी? हाँ यही जगह। कितने का लड़का रहा है गोलू? गोलू बहुत अच्छा लड़का रहा है, हमें से छोट रहा है, कबो हमें से ना झगड़ा ना लेहेड़ कुछ भी ना करते रहन। कहीं भी भेटे तो कहन कि भैया का हाल चाल बाटे, तो कह बाबू कि हमी के हाल चाल ठीक बा, हमी के आगे आगे पुल के आगे हमी के घर बाटे, हमी के कभी भी चाचा लगे ना हमी के ठीक बा, कभी भी आवल जाइ तो चाचा चाचा कहल जाए, भैया भैया बेचारा कहत रहन, जे भी कुछ भी केहू कैले ओकर सजा ओकरा मिले के चाहिए भैया। हाँ और कुछ, ये घटनास्थल पर के इस तरह का जो वारदात हुआ है एक लड़का गोलू के साथ, और कहीं ना कहीं देखिए सबसे पहले कि परिवार को जो प्राथमिक स्थिति है वो तो मिलना चाहिए, प्राथमिकता भी मिलना चाहिए। क्या ये मामला जो है अगर इस तरह का वारदात अगर किसी के साथ हो रहा है तो क्या ये सही है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर इस तरह का मामला पे छानबीन अगर नहीं किया जाए तो प्रशासन की सबसे बड़ी नाकामी है। और शायद इस विवाद से जुड़े या इस मर्डर से जुड़े जितने भी लोग मिले हुए हैं उनको बिल्कुल सजा मिलना चाहिए। और शायद इनकी जो वाइफ है, अभी इनका 2.5 साल हुआ शादी हुए और इनके 2 बच्चे भी हैं, तो इनको भी कुछ ना कुछ मुआवजा के तौर पे मिलना चाहिए। और शायद इनके परिवार को कुछ ऐसी प्राथमिकता मिलनी चाहिए कि आगे चल करके फिर ये वारदात नहीं हो। घटनास्थल से आप देख रहे थे लाइव रिपोर्ट अखलाक सर का, G20 न्यूज चैनल से। जय हिंद, जय भारत।